क्या आपके पास भी जो है रूपी टैप के नाम से लोन रिपेमेंट का व्हाट्सएप पर मैसेज आया है? अगर नहीं आया अभी तक तो स्वागत कीजिए इस लोन रिपेमेंट व्हाट्सएप मैसेज का, जो कि कुछ इस तरीके से लोगों को बता रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है कि भाई आज आपका जो है लोन का रिपेमेंट करने का, यानी कि लोन आपका ओवरड्यू हो गया उसका रिपेमेंट करने का जो है लास्ट डेट है और इसका रिपेमेंट आपको जल्दी से करना है। फिलहाल हम आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, यानी फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि जल्दी से रिपेमेंट कर दीजिए। अगर आप अभी भी नहीं करते हो तो आपके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को कॉन्टैक्ट किया जाएगा। इस तरीके का लिखा हुआ है इस व्हाट्सअप मैसेज में और नीचे लिखा हुआ है कि रिपेमेंट करने के समय जो है 12 डिजिट का UTR नंबर जो भी होता है वो इन लोगों को आपको शेयर कर देना है, क्योंकि आपका लोन जो है ओवरड्यू हो रखा है। कुछ इस तरीके का मैसेज है। यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर रूपी टैप से आपने पहले पास्ट में कभी भी लोन लिया था और आपने उसका रीपेमेंट नहीं किया था तो आप चाहो तो रीपेमेंट कर सकते हो, प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके रीपेमेंट कर देना। और अगर आपने जो है इस लोन ऐप के बारे में कभी सुना नहीं है, कभी इससे लोन के लिए ट्राई नहीं किया है, कभी भी इस लोन ऐप से यानी कि रूपी टैप से जो है लोन लिया ही नहीं है और ऐसा मैसेज आ रहा है तो डायरेक्टली भाई ब्लॉक एंड रिपोर्ट कीजिए ना। जब आपने लोन लिया ही नहीं है तो आपका कोई भी डेटा इन लोगों के पास नहीं होगा, यहाँ तक कि आपका नाम भी इन लोगों को पता नहीं होगा। बस इनके पास जो है एक मोबाइल नंबर है आपका, वो भी जो है हो सकता है कि किसी आपने लोन ऐप में जो है ट्राई किया होगा और उन लोगों ने जो है उस डेटा को सेल कर दिया होगा और इन लोगों ने जो है इस तरीके से मैसेजेस करना चालू कर दिया है। तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से जो है ये ध्यान करना है कि क्या आपने रूपी टैप नाम के लोन ऐप से पहले कभी लोन लिया था। अगर लिया था तो क्या रिपेमेंट कर दिया था? अगर कर दिया था तो इन लोगों को स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। अगर नहीं किया था, अगर करने का मन है तो भाई कर सकते हो। और अगर आपने जो है इस लोन ऐप का यानी कि रूपी टैप का नाम ही नहीं सुना है कभी तो भाई आपने अप्लाई ही नहीं किया होगा फिर, और अगर अप्लाई ही नहीं किया है तो फिर आप डायरेक्टली ब्लॉक एंड रिपोर्ट कर सकते हो इस मैसेज को एक फेक मैसेज समझ करके। अब अगर आपने जो है उस डाउनलोड लिंक पर क्लिक कर दिया था, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अननोन लिंक्स पर क्लिक, लेकिन आपने क्लिक कर दिया, आपको एक अमाउंट शो हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लोन नहीं लिया है और वहां पर कुछ भी अमाउंट अगर डाउनलोड होने के बाद शो हुआ भी है तो सिर्फ ऐसे ही हुआ है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो वीडियो शो होगा उसको जरूर से देख लेना, अपने फोन में उन स्टेप्स को फॉलो करना, अदरवाइज जो है हो सकता है कि आपने बहुत सारे परमिशंस भी इन लोगों को अलाउ करके दे दिया हो तो यहाँ पर आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। तो ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा जो कि यहाँ पर फ्लैश होगा। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हो और इस वीडियो को लाइक करके जाओगे, लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो किसी भी ऑनलाइन स्कैम की जानकारी को तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा ईमेल आईडी आपको मिलेगा मेरे हर एक वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।